हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। कॉमर्स की पाठशाला में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जी हां, नोट्स अवेलेबल हैं। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस पीडीएफ के माध्यम से, ये एक नोट्स हैं जो कि मैंने बनाए थे इस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। तो हर एक एग्जामिनेशन जो भी इन फ्यूचर होंगे उसके लिए नोट्स हम तैयार करते हैं, कॉमर्स की पाठशाला तैयार करती है। अगर आपको नोट्स खरीदने हैं तो आप हमसे परचेस कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल है। आप नोट्स परचेस करते हैं कॉमर्स की पाठशाला के पास से। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम। तो कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम में क्या डिफरेंस होता है, हमारा ये टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको ये वीडियो आई होप काफी पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस जो है मिलती रहे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो ठीक तरीके से होती रहे। चलिए फिर देख लेते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल का मतलब हो गया कि कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसा खर्च या कोई ऐसी इनकम जो कि सिर्फ एक साल के लिए नहीं मिलती, जिसका बेनिफिट जो है आपको कई आने वाले सालों तक के लिए मिलता है, तो उसको हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे, कैपिटल रिसीट हम उसको बोलेंगे। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो कि किसी एक साल से रिलेटेड होता है, किसी एक साल में ही वो इनकम आपको मिलती है, बाद में नहीं मिलने वाली, ठीक है ना, तो उसको आप बोलेंगे रेवेन्यू इनकम, ठीक है। तो ये जनरल सा डिफरेंस है दोनों के बीच का। अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट वाइज जो हम लोगों ने तैयार करा है। नाउ नेचर ऑफ रिसीट एट द इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज पे जो आपका नेचर ऑफ रिसीट है वो क्या होगा? सो इफ द रिसीट एट द इनिशियल स्टेज, इफ द रिसीट एट द इनिशियल स्टेज पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिंग रिसीट, इट विल बी टैक्स्ड एज सच। If, however, at initial stage it looks like a capital receipt, it cannot be taxed irrespective of the magnitude and the appropriation of the same by the SSC. ठीक है, तो हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स में कैपिटल रिवेन्यू और रिवेन्यू कैपिटल रिसीट और रिवेन्यू रिसीट में ये डिफरेंस होता है कि इनिशियल स्टेज में अगर कोई चीज आपको एज ए ट्रेडिंग रिसीट लग रही है, ट्रेडिंग कब होती है, एक साल के भीतर ही होती है ना, तो हम जो उसका कैलकुलेशन करते हैं वो एक साल के भीतर के लिए करते हैं। तो जब अगर कोई चीज जिसका कैरेक्टरिस्टिक, जो आपका आपने पैसा रिसीव किया है, उस पैसे का कैरेक्टरिस्टिक अगर वो रेवेन्यू नेचर का होगा, ट्रेडिंग रिसीट का होगा, तो फिर उसको जो है टैक्स किया जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज पर अगर कोई चीज कैपिटल रिसीट होती है तो उसको एज ए कैपिटल रिसीट टैक्स नहीं किया जा सकता, एज ए रेवेन्यू रिसीट टैक्स नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो कैपिटल रिसीट होता है, ठीक है। दूसरा है नोमेनक्लेचर नॉट डिसाइसिव, है ना। Irrespective of what the parties of to a contract call the transactions and the receipt arising therefrom, the true nature of the receipt has to be ascertained based on the principles laid down and the circumstances of the case, है ना। तो देखो कौन सा revenue receipt है, कौन सा capital receipt है, ये आप decide नहीं कर सकते, है ना। चीजें जो है different different situations में different different हो सकती हैं। तो जो भी you know principles बताए गए हैं किसी चीज को लेकर के, जैसे कि आपने सुना होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो उसके तहत किसी भी रिसीट का नेचर अगर आपको डिसाइड करना है तो उस जो प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना होगा। आप खुद से कोई चीज नहीं कर सकते, ये खुद से आप डिसीजन नहीं ले सकते कि ये कैपिटल रिसीट है या फिर ये रेवेन्यू रिसीट है। तो जो नेचर ऑफ रिसीट होगा दैट हैज टू बी एसर्टेन्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा और उस केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। हर केस एक दूसरे से अलग अलग होता है, राइट, सही बात है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका रिसीट जो है वो कैपिटल नेचर का है या फिर रेवेन्यू नेचर का है। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ रिसीट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। अब जब पैसा कोई रिसीव कर रहा है, कैपिटल यहाँ पे इनकम की बात हो रही है या फिर रेवेन्यू इनकम की बात हो रही है, तो जो पैसा रिसीव होगा, है ना, वो एक तरीके से बहुत जरूरी है। जो पैसा रिसीव करेगा उसके लिए वो किस तरह, किस नेचर का है, क्या वो कैपिटल नेचर का है या रिसीट नेचर, रेवेन्यू नेचर का है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पे भी टैक्स उसके ऊपर अप्लाई होता है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट व्हेन कंसीडरिंग अ रिसीट इट्स नेचर इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर इज इंपॉर्टेंट। जब आप रिसीट को कंसिडर कर रहे हो कि ये रिवेन्यू रिसीट है या कैपिटल नेचर का रिसीट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो उस पैसे को रिसीव कर रहा है आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसके लिए वो चीज क्या है, क्या वो रेवेन्यू है या कैपिटल है। अगर रेवेन्यू होगा तो रेवेन्यू की तरह से उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और अगर कैपिटल होगा तो कैपिटल की तरह से जो है उसको ट्रीट करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट इवन एन एक्सपेंडिचर ऑफ एन कैपिटल नेचर इन द हैंड्स ऑफ गिवर, इट वेरी वेल कुड बी एन आइटम ऑफ रेवेन्यू रिसीट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। भाई एग्जांपल के तौर पे बोला गया कि हो सकता है कि कोई एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल नेचर का है, उसके लिए जो पैसे को पे कर रहा है, लेकिन जो पैसे को रिसीव कर रहा है उसके लिए सपोज वो रिवेन्यू नेचर का है, रिवेन्यू रिसीट है वो, तो उस केस में क्या होगा, दोनों के केस में अपने अपने तरीके से वो लोग जो है उसका कैलकुलेशन करके दिखाएंगे।
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो पैसे रिसीव कर रहा है वो डिसाइड करेगा। सो इट इज देयर फॉर द नेचर ऑफ रिसीट और रिसीट्स इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट नेचर ऑफ द एक्सपेंडिचर इन द हैंड्स ऑफ द गिवर, है ना? तो जैसे देखो, जो पैसा दे रहा था उसके लिए वो कैपिटल है, लेकिन जो पैसा रिसीव कर रहा है उसके लिए रिवेन्यू है। तो आपको किसके साथ जाना है? आपको जाना है उसके लिए, उसके साथ जो कि पैसे को रिसीव कर रहा है, ना कि जो पैसे को दे रहा है। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट पे चलते हैं, जो कि नेचर अंडर कंपनी लॉ नॉट इम्पोर्टेंट। तो कंपनी लॉ के अंडर में अगर आप बात करें तो उस लॉ के अंतर्गत कोई भी रिसीव कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा, ये इंपॉर्टेंट अब मायने नहीं रखता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में एक बात कही, इट हैज बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट दैट देयर इज नो नेसेसरी बिटवीन अ कैपिटल बीइंग अ बिटवीन अ रिसीट बीइंग अ कैपिटल रिसीट अंडर द कंपनी लॉ एंड बीइंग अ रेवेन्यू रिसीट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं होती है कि आपको जो है कंपनी लॉ को हर जगह पे फॉलो करना है। ठीक है, जो इनकम टैक्स के लॉज हैं, जो यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, दो तीन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं पॉइंट्स के माध्यम से, उसी को आपको फॉलो करना है। कंपनी लॉ का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता, ये बात कहा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पांचवा पॉइंट भी आप बता सकते हो, सॉरी चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है लैक ऑफ असेसमेंट इन द अर्लियर ईयर्स इमेटेरियल। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो जो असेसमेंट ईयर आपने प्रीवियसली जो आपका असेसमेंट ईयर है वो एक तरीके से इमेटेरियल है, इस साल उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो आपने पिछले साल जिस तरह से कैलकुलेशन किया था ठीक है, लेकिन इस साल अगर आप पैसे रिसीव कर रहे हैं तो इस साल भी आपको फिर से उसी तरीके से एसर्टेन करना पड़ेगा कि वो कैपिटल है या फिर रेवेन्यू है। पिछले साल अगर आपने किसी इनकम को कैपिटल कहा था या रेवेन्यू कहा था तो इस साल भी सेम टू सेम वही बैठ जाएगा, ये जरूरी नहीं है, इस साल आपको अलग से करना पड़ेगा। नाउ द मेयर फैक्ट दैट द इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू लेवी टैक्स ऑन द इंटरेस्ट पार्ट ऑन द एनुअल रिसीट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ द रिसीट, इट कंटिन्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एंड पार्ट रिवेन्यू इन द नेचर एंड देयर बाई चार्जेबल टू द टैक्स ऑन द रिवेन्यू पार्ट, है ना? तो जो फैक्ट जो एक तरीके से बात मैंने अभी कही है वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज है वो समटाइम्स टैक्स नहीं लगा पाती है, है ना? इसी चीज के कारण कि उनको लगता है कि पिछले साल जो हुआ था वो इस साल भी होगा, जो पिछले साल टैक्सेबल था वो इस साल भी टैक्सेबल होगा, जो पिछले साल टैक्सेबल नहीं था वो इस साल भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द यू नो जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होता है, है ना? तो प्रीवियस ईयर का जो एक तरीके से असेसमेंट होता है वो इमेटेरियल हो जाता है इस ईयर में, है ना? तो आपको हर एक ईयर के हिसाब से आपको करना पड़ता है। छठा नंबर जो पॉइंट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो है प्रॉफिट्स इनकम फ्रॉम कंज्यूमेबल एसेट। Now the profits arising from the consumable asset would be a revenue nature, although capital asset seems to be getting exhausted or consumed. है ना? तो जो इनकम आते हैं हमारे कंज्यूमेबल एसेट से, जो भी प्रॉफिट्स निकल करके आते हैं वो हमारा रिवेन्यू नेचर का होता है, है ना? लेकिन ऐसा भी होता है कि हमारा जो कैपिटल एसेट है, उस रिवेन्यू को निकालने के लिए जो हमारा कैपिटल एसेट है वो भी साल दर साल समय के साथ साथ जो है एग्जॉस्टेड और कंज्यूम हो जाता है। तो उसको क्यों ना हम कैपिटल रिसीट बोले, लेकिन हम उसको कैपिटल रिसीट नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, उसको हमको एज ए रिवेन्यू रिसीट दिखाना होगा, और कैपिटल रिसीट के तौर पे हम कुछ चेंजेस जो है वहां पे दिखा सकते हैं, बट मैक्सिमम जो होता है वो हमारा रिवेन्यू रिसीट ही होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्रॉफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ कंज्यूमर एसेट्स वुड बी अ रिवेन्यू नेचर, जो पैसा निकल करके आएंगे वो रिवेन्यू नेचर का होगा, लेकिन यद्यपि लेकिन नहीं कैपिटल एसेट सीम्स टू बी, लेकिन उसी कारण से कैपिटल एसेट जो होता है वो भी एक तरीके से एग्जॉस्टेड होता जाता है, खत्म हो जाता है और कंज्यूम्ड हो जाता है एट द एंड। ठीक है, सातवां नंबर पॉइंट है एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। तो अगर डिफरेंस की बात करें दोनों में, तो दोनों में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण भी जो है डिफरेंस एक क्रिएट होता है। वो डिफरेंस क्या है? एक्सेस इनकम अराइजिंग टू द एसएससी एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज रेट फ्लक्चुएशन विल बी टैक्स्ड एज रेवेन्यू रिसीट, है ना? तो जो एक्सेस इनकम निकल करके आएगा आपका एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण, $1 में आपको ₹100 मिल रहे हैं सपोज, आने वाले समय में आपको $1 में ₹120 मिलेंगे। पैसा मुझे अभी रिसीव करना था तो मुझे ₹100 मिलते, मैंने 2 महीने बाद किए तो मुझे ₹120 मिले, तो ये जो ₹20 मुझे एक्स्ट्रा मिला उसको एज ए रिवेन्यू रिसीट टैक्स किया जाएगा, समझ रहे हो? तो फ्लक्चुएशन के कारण अगर कुछ होता है तो उसमें भी डिफरेंस क्रिएट होता है। इफ हाउएवर द प्रॉफिट्स अराइजेस नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एसएससी बट एक्रूवल टू द इन्वेस्टमेंट, इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट। तो सपोज आपको कुछ प्रॉफिट निकल करके आया जो कि एक तरीके से क्या बोलो, ये एक तरीके से क्या था, प्रॉफिट अराइज नॉट एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस से आपको प्रॉफिट अराइज नहीं हुआ, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट था उसके ऊपर एक्रू किया है कुछ इंटरेस्ट इनकम, आप बोल सकते हो इंटरेस्ट बोल सकते हो, जो कि उसके ऊपर एक्रू किया है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसीट बोलेंगे। ठीक है, दो चीजें यहाँ पे बोली गई। पहला,
कि आपका अगर आपको अगर इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन आई मीन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के कारण अगर आपको कुछ फायदा होता है तो वो एज ए रिवेन्यू रिसीट उसको टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर समय के साथ आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है किसी चीज के ऊपर, आपके प्रॉफिट के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो उसको हम एक्रूड इनकम मानेंगे और उसको हम एज ए कैपिटल रिसीट ही टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि वो एक्रू इनकम है, वो एक्रूड इनकम है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है, ना कि किसी प्रॉफिट के ऊपर हो रहा है। लेकिन जब आपको प्रॉफिट होता है, जब आप पैसे फ्लक्चुएशन के कारण जब आपको बाद में एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, जैसे 120 100 रुपए मैंने कहा, तो उस केस में आपको 20 रुपए के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। आठवां नंबर पॉइंट है परपेचुअल एन्युटी। तो परपेचुअल एन्युटी का एग्जांपल आई मीन जो चीज है वो डेफिनेटली कैपिटल रिसीट में एग्जिस्ट करती है। परपेचुअल का मतलब है जो कि लंबे समय तक चले, है ना। द एन्युटी रिसीवेबल इन चेंज ऑफ अ कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल इनकम, है ना। तो एन्युटी जो आप रिसीव करते हो, ठीक है, जो कि आपके कैपिटल एसेट में चेंज होता है उसके कारण से जब आप एन्युटी रिसीव करते हो तो फिर वो टैक्सेबल हो जाता है कैपिटल के तरफ से। हाउएवर इफ द एन्युटी इज डिस्क्राइब्ड एज इंस्टॉलमेंट ऑफ कैपिटल सम रिसीव्ड इन द एक्सचेंज फॉर कैपिटल एसेट इज इट इज नॉट टैक्सेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में उसी सम को, जो भी आप पैसे आपको ऐसे मिलने वाले हैं एन्युटी के तौर पे, उसी पैसे को अगर आप इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हो तो वो चीज जो है एज ए कैपिटल एसेट टैक्सेबल नहीं होगी। समझ में आ रहा है। अगर पैसे एक बार में आप लोगे एज ए कैपिटल एसेट तो टैक्सेबल हो जाएगा, बट अगर आप इंस्टॉलमेंट में लोगे तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। सो एज पर इनकम टैक्स एक्ट ये बात होती है और इसको आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड अबाउट दिस क्वेश्चन दैट डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू इनकम, यू विल हैव टू मेंशन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इन केस अगर आपको समझ में आया है अच्छी तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी प्रिपरेशन ठीक तरीके से होती रहे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। नोट्स अवेलेबल हैं, आप जब चाहें नोट्स हमसे खरीद सकते हैं। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, थैंक यू।